नमस्कार, मैं प्रांजलि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। और अब वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। हज और उमरा के लिए सबसे भरोसेमंद नाम बिस्मिल्ला टूर्स एंड ट्रेवल्स। हमारा पता है रोड नंबर 4, उतेलवा औद्योगिक क्षेत्र, जगदीशपुर, अमेठी। हमें संपर्क करने के लिए 8787095687 या फिर 9648359898 पर कॉल करें। हमारी खासियत है कि हम एक सफर में 3 उमरा के साथ तायफ की जियारत भी कराते हैं। अधिक जानकारी के लिए बताए गए नंबर पर रुखसार अहमद से संपर्क करें। सुल्तानपुर में कोतवाली नगर के गबड़िया चौकी में मौजूद डॉक्टर मकसूद सरदार क्लिनिक में महिला कर्मचारी ने पैथोलॉजी यूनिट में फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। सुल्तानपुर में जयसिंहपुर कोतवाली के करिया भजना गांव में शाम से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुल्तानपुर में बलदीराय तहसील के धनपतगंज ब्लॉक के सेमरौना की प्रधान अनीता ने त्रिनेत पांडे पर आरोप लगाते हुए बताया कि डोंगल और मुहर हड़प लिया और फर्जी ढंग से हस्ताक्षर कर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और साथ ही प्रधान ने यह भी बताया कि 2.5 साल हो गए लेकिन प्रधान का वेतन तक उन्हें नहीं दिया गया। सुल्तानपुर में इसौली विधायक और उनके साथियों के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा निषाद ने मोर्चा खोलते हुए डीएम से मिलकर शिकायत की। अमेठी में थाना मुंशीगंज पुलिस ने हत्या का प्रयास करने के आरोप में मान सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमेठी में थाना मुसाफिर खाना के पूरे मलहर पासी मजरे उमा मिश्रपुर गांव से बीते सोमवार को गंगा स्नान के लिए प्रयागराज गए मां बेटी और नाती आज तक घर वापस नहीं लौटे। पुलिस ने परिजनों के तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेठी में नौहना थाना के अहमदाबाद पिपरी गांव में 6 दिन पहले पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग की पिटाई कर घायल कर दिया, जिसके बाद बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर के थाना मुंगरा बादशाहपुर पुलिस टीम ने चोरी के स्टेबलाइजर के साथ एक शातिर चोर शिव कुमार मौर्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जौनपुर के थाना मछलीशहर पुलिस ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में आरोपी पंकज पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहराइच में थाना मोतीपुर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में वीरेंद्र नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहराइच में थाना मोतीपुर पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी करने के उपकरण बरामद किए हैं। प्रतापगढ़ के थाना उदयपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करते हुए एक अवैध तमंचा, एक खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। रायबरेली में सुल्तानपुर मजले सरीमपुर कठवारा के रहने वाले देवनाथ पासवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिनके परिवार वालों से सपा के विधायक राहुल शिव गणेश लोधी मिलने पहुंचे। लखीमपुर खीरी के धौरहरा थाने में तैनात सिपाही की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। बता दें कि बीते एक सप्ताह पहले बाइक सवार सिपाही अंकुश शर्मा बाइक से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली के मोहल्ला हाथीपुर कोठार में पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने घर से पटाखा बनाने की सामग्री और अर्ध निर्मित पटाखा सहित बारूद बरामद की और साथ ही एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इन खबरों को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन हिंदी, कदम बढ़ाएं सच के साथ।